गरियाबंद विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मदनपुर में प्रभारी प्रबंधक नरेश कुमार चक्रधारी द्वारा सुचारू रूप से किसानों की धान खरीदी की जा रही है। धान उपार्जन केंद्र में जिला नोडल अधिकारी SS पेकरा भी निरीक्षण करने पहुंचे। धान उपार्जन केंद्र में किसानों के धान की साफ सफाई, साथ ही धान की क्वालिटी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रबंधक को विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही धान खरीदी केंद्र में पेयजल की व्यवस्था, छांव और किसानों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ साथ किसानों का समय पर टोकन काटने का निर्देश भी दिया। किसानों द्वारा लाए गए धान को नोडल अधिकारी ने अपने हाथों में लेकर मशीन द्वारा नमी को भी चेक किया। वहीं प्रबंधक नरेश कुमार चक्रधारी ने बताया कि हमारे यहाँ कुल पंजीकृत किसान हैं 517, जिनका पंजीकृत किया गया है। प्रतिदिन का टोकन 15 किसानों का काटा जाता है। अभी तक कुल प्राप्त बरदाना नया 12,841 मिलर्स का है और पुराना 905 PDS का, साथ ही 3,550 टोकन 29,000 बरदाना प्राप्त हुए हैं। वहीं अभी तक किसानों द्वारा 20,927 बरदाना दिया गया है। मदनपुर धान खरीदी केंद्र में 5 गाँव के किसानों द्वारा धान बेचा जाता है। वहीं किसानों ने फटे फटे बरदाने मिलने से नाराजगी व्यक्त की है। गरियाबंद छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण साहू की रिपोर्ट। अवध राम जी, कहाँ से? भुंजमुड़ा। धान खरीद, हम धान लाते हैं, किसान लोग का भी यहाँ सही है, लेन देन होते हैं। बरदाना वगैरह मिलता है आपको लोग यहाँ? हाँ। टोकन का क्या व्यवस्था है? टोकन जल्दी जल्दी कटा थे साहब। हाँ, पानी की व्यवस्था है, पानी मिलता है आप लोग को? हाँ, प्रबंधक का समय समय में आप निरीक्षण करते हैं। हाँ हाँ, किसान ला कुछ न कुछ समझाते हैं। हाँ, कुछ भी चीज़ को समय समय आपको समझाता है बोलो? हाँ, कुछ कुछ समय में समझाता है। प्रभारी खरीदी केंद्र मदनपुर, धान खरीदी सुचारू रूप से चल रहा है जी। बारदाना नया 20,000 प्राप्त हुआ है, पीडिया से 3,550 है, मिलर से 2,580 और किसान से 2,927 बारदाना मिला है। कुल मिलाकर 29,057 बारदाना मिला है अपने को। टोकन प्रतिदिन 15-17 किसान का टोकन कटता है और 5 गांव का धान खरीदी होता है यहाँ। और मौसम खराब, तिरपाल व्यवस्था और डनेज व्यवस्था करके रखे हैं जी। किसान अपने सुविधा अनुसार धान ला रहे हैं, समय में ला रहे हैं और समय में काटा हो रहा है। किसानों को कोई समस्या वाली बात नहीं आया है अभी। 5 गांव आता है अपने खरीदी केंद्र में। क्या क्या है? गांव मदनपुर, रामपुर, भुंजियामुड़ा, अमेठी और छिंदोला। ऐसा पिछले टाइम 20,068 क्विंटल। इस टाइम का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो 22,000 है, लेकिन धान नहीं आ पाएगा, वो उत्पादन कम है इस क्षेत्र में। शहर वाले जो ट्रक ले जाते हैं ना धान कस्टम मिलिंग के लिए, वो बारदाना लाते हैं तो उसमें जो बारदाना लाते हैं उतना कंप्यूटर में लेना पड़ता है अपने को। अगर कंप्यूटर में नहीं लेंगे तो धान परिवहन के नहीं कट पाता कंप्यूटर से, तो उसी को बारदाना वापस देना है। उसके बदले में अच्छा बारदाना धान भरने योग्य उसको मंगाए हैं। सुविधा रखे हैं। क्या रखे हैं? टीचर राइडिंग है और क्या पट्टी है, मलहम है, सैनिटाइजर है, रखे हैं। मास्क कसके उतरन किए? मास्क लाए थे, गर्म हो गया। अभी कम आते हैं किसान मास्क लगा कर, नहीं लगाते हैं किसान लगाते। SS पैंकरा, मैं उद्यान विभाग से हूँ और अभी यहाँ नोडल अधिकारी। अच्छा, उपार्जन केंद्र मदनपुर के लिए नियुक्त किया गया है जी। यहाँ साफ सफाई, धान का क्वालिटी जो सफाई होना चाहिए, आद्रता, ये सब जो है हम लोग को देखना रहता है। और जैसे व्यवस्था यहाँ का ठीक है या नहीं है, या जैसे तिरपाल वगैरह है कि नहीं है, ये कमी जैसे सबको देखते के लिए, अब नहीं है तो मांग करते हैं। धान किसानों का स्थिति वैसे ठीक है यहाँ का, जो भी हला रहे हैं धान का, आद्रता वगैरह सब जो है ठीक है और क्वालिटी भी ठीक है, धान का कोई खराब नहीं है। किसानों का अभी तो छोटे किसानों को ले रहे हैं,
ज़्यादातर जो छुटपुटा जा रहे हैं बड़े किसानों को ले ले रहे हैं। यहाँ का अब क्या देखा की दृष्टि से व्यवस्था जैसे रखने उठने के लिए शेड तो बना है लेकिन ऊपर वगैरह अभी नहीं बना है, तो तिरपाल व्यवस्था है उसके लिए पानी वानी के लिए।